में कौन सा हिस्सा पाकिस्तान जाएगा, कौन सा भारत रहेगा, आर्मी का बंटवारा कैसे होगा, लोगों का बंटवारा कैसे होगा, पैसे का बंटवारा कैसे होगा, वो सब फॉर्मूले तय कर लिए। अंग्रेजों ने एक अधिकारी भेज दिया, उस अधिकारी ने बाउंड्री लाइन तय कर लिया और उसके बाद सब कुछ तय होकर 14 अगस्त रात 12 बजे उन्होंने भारत को तथाकथित आजाद कर दिया दो टुकड़े करके। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कोई वैचारिक आंदोलन का परिणाम नहीं था, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कोई बहुत बड़े युद्ध क्रांति का परिणाम नहीं था, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा दो नेताओं के चरित्र से उतर जाने का दुष्परिणाम था।